Peace is the only answer, gentlemen. जब तक दुनिया में लोग नफरत का बदला नफरत से लेंगे, there is no solution. जैसा कि हमारे father of the nation, the great महात्मा गांधी ने कहा है, an eye for an eye will only make the world blind. May I come in, sir? Yes, come in. What's the matter? जी, DCP सर आपसे मिलना चाहते हैं सर. मुझसे मिलना चाहते हैं. जी सर. ठीक है, DCP बंदा बुलाओ. ओके सर. सॉरी सर, बट मिस्टर सिंघानिया को अभी हमारे साथ चलना होगा. आप देख नहीं रहे, यहाँ पीस कॉन्फ्रेंस चल रहा है. सर, आई एम इन द मिडल ऑफ अ कॉन्फ्रेंस. सर, एंड वी आर इन द मिडल ऑफ अ मर्डर इन्वेस्टिगेशन. क्या आप लाजपत नगर के एमजी भाई पटेल को जानते हैं? हाँ. कल रात को उनका खून हो गया है और इल्जाम आपके ऊपर है. Saying? Please, sir. Please cooperate with us. Excuse me. Sorry, gentlemen. चलिए. लाजपत नगर के एक पुराने रिटायर्ड प्रोस्थेटिक डॉक्टर की मौत का इल्जाम एक इंडियन डिप्लोमेट पर. एग्जैक्टली. और क्योंकि डिप्लोमेट का मामला है तो पुलिस भी इसे बड़ी डिप्लोमेटिकली हैंडल कर रही है. उन्हें जेल में नहीं बल्कि हाउस अरेस्ट में रखा गया है, उनके घर पे. बहुत ही नाजुक मामला है, डिप्लोमेट पर खून का इल्जाम.
इसलिए सीबीआई को जल्द से जल्द तह तक पहुंचकर इस केस को सॉल्व करना होगा। अगर डिप्लोमैट सिंघानिया गिल्टी है तो सबूत, और अगर नहीं तो किलर को पकड़ना। सर आपने बताया कि इस केस में एक चश्मदीद गवाह है। है तो, लेकिन ये कोई आम आई विटनेस नहीं है। कौन? बेहतर होगा कि आप खुद चलकर मिल लें अलादीन से। अलादीन? एक्चुअली वो एमजी भाई का तोता है। तो ये तोता भी हाउस अरेस्ट है, इसे टॉर्चर तो नहीं कर रहा ना? नहीं मिस्टर राघव, लेकिन हम इसे छोड़ भी नहीं सकते, इसने खून होते हुए देखा है। और ये बात आपको कैसे पता? अनबिलीवेबल, अब कोर्ट में ये तोता गवाही देगा? भाई वाह, इसकी जबान तो इसके पंखों की तरह रंग बिरंगी है, वेरी कलरफुल लैंग्वेज। क्या यही एक सबूत है मिस्टर सिंघानिया के खिलाफ? नहीं सर, और भी हैं। घटना स्थल पर जो जूतों के निशान पाए गए, उन्हें हमने मिस्टर सिंघानिया के जूतों के साथ मैच किया है, और वो जूते वही हैं, क्योंकि उसके नीचे मिस्टर एमजी के खून के धब्बे हैं। प्लीज बोल, प्लीज 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 एजेंट राघव, प्लीज बोल, प्लीज एजेंट राघव, प्लीज। गुड बॉय। अरे वाह मिस्टर राघव, आपने तो इससे भी दोस्ती कर ली। इसमें साहब, जब तक इस केस की तहकीकात चल रही है, क्या मैं इसे अपने पास रख सकता हूँ? जी राघव। विक्रम, तुम हेमजी के घर की तलाशी लो। इन द मीनवाइल मैं सिंघानिया साहब के घर जाकर उनसे बात करके आती हूँ। ओके? टेक केयर ऑफ हिम। थैंक यू माय लवली सोहा। थैंक्स। त्रिशा जी। जी। मुझे तो ये जोक लग रहा है। मैं भला किसी को क्यों मारूंगा? आई एम अ डिप्लोमेट, नॉट अ किलर। लेकिन सर आप हेमजी भाई पटेल को जानते कैसे थे? ये देख रही हैं आप मेरा राइट लेग? जी। ये नकली है। हेमजी भाई एक बहुत अच्छे कारीगर हैं, जो मेरे लिए स्पेशल नकली टांग बनाया करते थे, और मैं इसकी फिटिंग के लिए अक्सर उनके पास जाया करता था। That's it. ओ, तो ये प्रोस्थेटिक लेग उन्होंने आपके लिए बनाया था? Yes. उसके अलावा अब वहां पर मेरे जूते के निशान कैसे आए, वो तोता मेरा नाम क्यों ले रहा है, आई रियली डोंट नो। हेमजी भाई से मेरी क्या दुश्मनी? इवन वो तो मेरे काम के आदमी थे, भला मैं उनको क्यों मारूंगा? प्लीज आप चाय लीजिए। या श्योर। ओह सॉरी, मैं इवनिंग वॉक के लिए जाने का टाइम हो गया। हाँ सोहा। या सोहा, माय शूज प्लीज। यस किशन, आई मीन यस सर। सीदस, किसी ब्लंट चीज से सर पर मारकर हत्या कर दी गई है। मर्डर वेपन मिला पुलिस को,
अब तक तो नहीं। मैं मदद करूं? कोड ब्लेजर का बटन। सिंबल से आदमी को भला कोई क्यों मारेगा? इससे किसी की क्या दुश्मनी होगी? मैंने पता लगाया, इस पूरी दुनिया में हेमजी भाई का सिर्फ एक ही दुश्मन था, और वो भी उनके तोते की वजह से। उनका नेबर बाहर रहता है, कोई तांत्रिक है, कजारिया बाबा। कजारिया बाबा? स्वाति एक काम करो, तुम उससे जाके मिलो, तब तक मैं और राजवीर हेमजी भाई के घर की तलाशी लेते। फ्रिज में कोई पानी नहीं रखता क्या? आप तांत्रिक हैं? हेलो निरंजन, पिछले 20 वर्षों से हम हेमजी भाई के पड़ोसी हैं, मित्र भी थे, किंतु जब से वो तोता उसके घर आया है, हेमजी भाई हमारा शत्रु बन गया है। शत्रु? नालिया, चल बता कौन है तू? दामाद हेमजी भाई का परवेश। दामाद? तो नकली है, मार्वल का बना हुआ।
कोई इसे फ्रीजर में क्यों रखेगा? खून, कत्ल का औजार, मैंने सर ने सर को मारा। स्लिंच आओ तुम की दुआ नमा। घबराओ मत, नकली है, संगमरमर से बना हुआ है, करना पड़ता है। तंत्र साधना में ऐसे यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। आप कह रहे थे एक तोते की वजह से आपके और हेमजी भाई के बीच दुश्मनी ही थी। हाँ, तोता, वो तोता। देखो, हम एक तांत्रिक है और हमारे अधिकांश भक्त रात में अपनी समस्याएं लेकर हमारे पास आते हैं और हम उन समस्याओं का निदान करने के लिए रात भर जाप करते हैं, तंत्र मंत्र की साधना करते हैं। तत्पश्चात अगले दिन पूरे दिन विश्राम करते हैं, चैन से सोते हैं। किंतु ये तोता जब से आया है, ये तोता हमें सोने नहीं देता। अलख निरंजन। मतलब ये कि ये तोता अपने राग से हमें पकाता है। कभी कबीर के दोहे तो कभी भजन। प्रातः काल तो भजन सभी को अच्छा लगता है, किंतु दिन भर लगातार निरंतर। कभी देखा है ऐसा धार्मिक तोता? धार्मिक तोता? क्या हुआ विक्रम? कौन है? दामाद प्रवेश। चल बता, अपने ससुर के घर क्या करने आया था? मैं अपने पेपर्स लेने आया। कौन से पेपर्स? बोलेगा अभी? 2 साल पहले मैंने अपने ससुर से 80 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके बदले में मैंने उनके पास अपने दुकान के पेपर गिरवी रखे थे। तो उधार चुका नहीं पाए, पेपर्स चुराने आ गए? हाँ, मगर मैंने उनका खून नहीं किया, कसम से। तुमसे पूछा किसी ने कि तुमने उन्हें मारा है या नहीं मारा है? हैं? विक्रम, चल। राजवीर, यू वर राइट। हेमजी भाई का कत्ल इस कल से हुआ है। अलादीन, मैंने सुना है बड़े धार्मिक तोते हो तुम, भजन और दोहे सुनाते हो। हाँ, अरे वाह, रियली? कहत कबीर सुनो भाई साधु। हेमजी भाई बड़ी स्प्लिट पर्सनालिटी के थे, एक तरफ भजन कीर्तन सुनाते थे और दूसरी तरफ ये। नहीं त्रिशा, कुछ गड़बड़ है। ये वीडियो सिर्फ 6 दिन पहले नेट पर अपलोड किया गया। इस वीडियो में जरा ध्यान से देखो। पूरा जो देखन मैं निकला, बुरा न मिलिया कोई। देखो मैं खोटन अपना, बुरा न मुखरा कोई। शाबाश शाबाश मेरे अलादीन। बोलो हनुमान जी जय, बोलो बजरंग बली जी जय। कहत कबीर सुनो भाई साधो। संतन आतन संतन तरह चलती है कल नौ से बारह काटो। तुषार, इंसान की दो पर्सनालिटीज हो सकती हैं, लेकिन तोते की?
मतलब घर में राम और बाहर श्याम। इस तोते के दाहिने पंजे का दूसरा नाखून टूटा हुआ है, लेकिन इस तोते का 7 दिन में इतना लंबा नाखून नहीं हो सकता। मतलब बदल गया है, ये तोता एमजी भाई का नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है किशन। बेवजह डरना छोड़ो सोहा डार्लिंग, कुछ नहीं होगा मुझे, यकीन रखो। सच सच बताओ, क्या तुमने हेमजी भाई का मर्डर किया? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज दबा दो थोड़ा सा। हाँ राघव, ये रिपोर्ट्स अभी अभी आई हैं और पुलिस ने भी वेरीफाई किया कि ये बटन डिप्लोमेट सिंघानिया के कोट का ही है। शायद छीना झपटी में टूटकर हेमजी भाई के हाथ में आ गया होगा। तो ये बटन टूटा नहीं है, इसे काटा गया। ये देखो इसके धागे कितनी सफाई से काटे गए, विद ब्लेड। ओह माय गॉड, इसका मतलब कोई डिप्लोमेट सिंघाने को फंसाने की कोशिश कर रहा है। उनका दामाद प्रवेश, जिसने अपने 80 लाख के कर्जे को बचाने के लिए अपने ससुर की जान, 2 साल पहले मैंने अपने ससुर से 80 लाख रुपए उधार लिए थे, इसके बदले में मैंने उनके पास अपने दुकान के पेपर गिरवी रखे थे। या फिर वो तांत्रिक पड़ोसी जो तोते से दुश्मनी निकालने के लिए हेमजी भाई को भी मार सकता था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो मार्बल वाला स्कल है वो तांत्रिक कचहरिया का ही है। तंत्र साधना में इस यंत्र की बहुत उपयोगिता होती है। या फिर हम बेकार में ही दूसरों पर शक कर रहे हैं। मर्डर वेपन, इस मार्बल स्कल पर जिसकी उंगलियों के निशान पाए गए हैं वो कोई और नहीं बट मिस्टर सिंघानिया के ही हैं। इंद्रशा कत्ल की वजह, इतना बड़ा डिप्लोमैट एक बूढ़े प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट को क्यों मारेगा? Why? इसका जवाब तो अभी ये नकली लादी नहीं देगा। जिसने तोते को बदला है मर्डर भी उसी ने किया। क्यों दोस्त? अरे ये तोता, ये तो बहुत महंगा अफ्रीकन तोता है, ये बहन है,
कहीं नहीं मिलेगा। अरे क्या बोल रहे हैं यार, ढूंढना इतनी बड़ी शॉप है, कहीं ना कहीं तो मिलेगा तुझे। देख देख देख, बात यह है कि इसकी बहन को है ना, हमने वादा किया है कि उसके बर्थडे पे ना हम उसे यही तोता गिफ्ट करेंगे। देख देख देख, पैसे की चिंता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तो जितना बोलेगा ना उतना देंगे तुझे निकाल के, है ना। हाँ देख, बोला ना नहीं मिलेगा, बहुत डेंजर है, पुलिस रेड मार रही है, समझ रहे हो ना। क्या बोल रहे हो, बेबी को बिल्ली कुत्ता दे दो बर्थडे पे, दो क्या? नहीं। अरे कैसी बात कर रहा है यार, तोता चाहिए तो बिल्ली कुत्ते की बात कर रहा है, सच में नहीं है क्या? नहीं है साहब, बोला ना होता तो देता ना आपको। चल राजवीर। ओ कट्टो, टन 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 तारा। अरे चलती है क्या 912? क्या हुआ साहब, तूने ये तोता किसको बेचा? बताएगा अभी, ये तोता किसे बेचा था? तोता सीबीआई। चल बता। गोली चलाएगा तू? मैं मार दूंगा, मैंने बोल। चला गोली, चल मैं भी देखता हूँ तू कैसे गोली चलाता है। राजवीर, चला गोली, मैं मार दूंगा, मैंने बोल। चल मैं भी देखता हूँ तू कैसे गोली चलाता है। राजवीर रोक। ए विक्रम, एक मिनट, हिम्मत है तो गोली चला। चला चला पीछे गोली चला। कितना बार बोला, तू रुका क्यों नहीं? मुझे लगा सेफ्टी तो कौन होगा। नहीं, इसलिए तो रोक रहा था। हाँ तो नहीं क्यों बोल रहा था? ऐसे बोलता ना कि सेफ्टी लॉक ऑफ है, सेफ्टी लॉक ऑफ है, तो मैं समझ जाता। तो कैसे बोलता कि राजवीर सेफ्टी लॉक ऑफ है, मत जा, ऐसे बोलता। मरते मरते बचाऊ मैं, सीने पे लगती थी गोली मुझे। नहीं लगी ना। चल उठा से, तू उठा। चल उठा यार, नहीं सुधरेगा। तोते को देखकर तोते उड़ गए। साहब मेरे को जेल में मत डालो साहब। मैं तो गरीब आदमी हूँ साहब, पेट पालने के लिए ये सब करना पड़ता है। रोहन भारी, हम तुम्हें यहाँ पर तोते की स्मगलिंग के लिए नहीं लाए। तो तुमसे ये तोता किसने खरीदा था? साहब बोलो। वो एक आदमी था साहब। उसका नाम हुलिया कुछ तो पता होगा? नहीं सर, नाम तो नहीं पता है सर मुझे, लेकिन उसका हुलिया बता सकता हूं मैं। हाँ सर वो उसकी नाक थोड़ी सी। लिप्स भी थोड़े से पतले हैं। हाँ हाँ सर, यही था, इसी को मैंने तोता बेचा था जी, यही था, मैं श्योर हूं यही था। हेमजी भाई का पड़ोसी तांत्रिक कजारिया।
चामुंडा विच्चे जय हो ना जाना जाना बड़े बड़े तनस्तो ओ ओ लिंग 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 पट 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 वाह 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 नमः जानामी ओ या जय जो इस समय हमारी साधना में विघ्न डालने के लिए यहां आ गया है। अलग निरंजन कजरिया जी कजरिया जी दरवाजा खोलिए। एक मिनट विक्रम विक्रम ओह नो जरिया जी सिंघाने को पहने हुए देखी। क्या उसने इसे तो नहीं मारा? सिंघाने ये जिंदा है? राजवी एम्बुलेंस को बुलाओ। आपको किसने मारा? उसने मुझसे ये तोता खरीदा था। किसने? किसने? मैं हेमडी भाई के तोते से हो गया था, इसीलिए मैं वो तोता दूसरे तोते से बदल देना चाहता था, लेकिन लेकिन उसने मुझे पैसे रुपए का लालच दे के वो तोता मुझसे खरीद लिया। उसी ने कौन कौन है वो? डिप्लोमेट सिद्धानिया ने। नो, मैं तुझसे उसी के बारे में बात कर रहा था। फिर रिमेम्बर शिव का कोई वाली में ये पेन की कैप ये अंगूठी ये सब सिंघानिया की हैं। मतलब कोई सिंघानिया को फंसा रहा है। Come on, कोई भी खूनी इतना बेवकूफ नहीं होता जो मौका है वारदात पर ये सबूत इतनी आसानी से छोड़ दे।
मतलब कभी जैकेट का बटन, कभी पेन कैप, कभी कभी अंगूठी। लेकिन राघव, उस तांत्रिक ने मरने से पहले हमसे साफ कहा था कि ये सिंघानिया ने ही उससे ये तोता खरीदा था। और मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। सी राघव, सिंघानिया माइट जस्ट बी अ मैन। देख क्या रहे सलीक? आंखों सभी। मिस त्रिशा, आप कितनी बार आई हैं यहाँ पर? उस पर बेवजह के इल्जाम लेकर। अगर ये अंगूठी और पैन आपको मर्डर साइट पर मिले तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कई अंगूठियाँ हैं और कितने ही पैन हैं, कोई भी चुरा सकता है। मुझे कोई फंसा रहा है। मिस्टर सिंघानिया, उस कल पर आपकी उंगलियों के निशान मिले हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हेमजीवाई एक बार मुझे उस तांत्रिक से मिलवाने ले गए थे। हो सकता है मैंने उस स्कल पे हाथ लगाया। It is all a conspiracy against me, you know that. अच्छा, उस तांत्रिक ने मरते समय आपका नाम लिया था। Enough! मेरे पास टाइम नहीं है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। मैं आपके साथ कोऑपरेट कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे सर पर चढ़ेंगे। आप लोगों को मेरे वकील से बात करनी होगी। और एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप लोगों ने मुझे प्रेशराइज किया तो ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। आप दोनों की नौकरी भी जा सकती है। अंडरस्टैंड दैट मिस्टर सिंघानिया? लगता है कि आप अपनी बीवी से प्यार नहीं करते। व्हाट डू यू मीन? आई मीन कि आपके पास बहुत सारी अंगूठियां हैं, लेकिन ये अंगूठी आपकी शादी की अंगूठी है और आप इसे फिर से देखकर खुश नहीं हुए। आई मीन उतना खुश नहीं हुए जितना आप किसी और को देख के खुश होते। प्लीज डी, सुबह lead them out. क्या राघव, तुम्हारी वजह से पूरा केस बिगड़ गया। अरे उसकी बदतमीजी का कुछ तो जवाब देना ही था ना। त्रिशा जी, आप अपना फोन अंदर ही भूल आए। थैंक यू सो मच। I'm really sorry. हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। It's okay. Actually, वो गलती सिंघानिया सर की थी। उन्हें आपसे ऐसे रूडली बात नहीं करना चाहिए था। Thank you. अरे आप, सुहा जी, वैसे मैं सोच रहा था कि जब एक केस सॉल्व हो जाएगा तो हम उस तोते के लिए घर ढूंढ रहे हैं। अगर आप उसे रखना चाहें तो? No, thank you. वो एक्चुअली चिड़ियों के पंखों से मुझे एलर्जी है। अरे मुझे नहीं पता था कि आपको एलर्जी है, लेकिन वो तोता बहुत साफ सुथरा है। यार सुबह ही वो मेरे कंधे पे बैठा था तो उसका एक मुलायम सा पंख टूट के मेरे हाथ में आ गया। बड़ा ही सॉफ्ट सा है, देखिए। अरे मैंने आपको कहा मुझे एलर्जी है। तो देखिए तो बड़ा साफ सुथरा है, देखिए ना। सॉरी। गॉड ब्लेस। अजीब इत्तेफाक है ना, वो तोता भी ऐसे ही छींकता है और फिर बिल्कुल ऐसे ही सॉरी बोलता है। नहीं, मैं सोच रहा था कि मिस्टर सिंघानिया की निजी चीजें वही आदमी चुरा सकता है जो कि बहुत नजदीक हो, बहुत करीब। और सुहा जी से करीब और कौन हो सकता है उनके? Am I right? जी देखिए, आप अपने ही फैलाए हुए जाल में आप क्यों फंसना चाहते हो? रियली, ये गन मेरी नहीं है, सिंघानिया की। और अगर मैंने तुम दोनों को आज गोली मार दी तो इल्जाम मुझ पर नहीं सिंघानिया पे लगता। चौथा खून, तुम दोनों, तांत्रिक कजारिया और हेमजी भाई। सोहा, तुम्हारा बॉस
या बॉयफ्रेंड, जो भी तुम इसे कहती हो, इसे फंसाने के चक्कर में तुम इस हद तक क्यों गिर गई? सिंघानिया के साथ मैंने अफेयर अपने मतलब के लिए किया था, ताकि उसकी नकली टांग में मैं असली चीजें स्मगल कर सकूं। वो जब भी विदेशी टूर पे जाता है, मैं उसकी नकली टांग की खुफिया जगह में ड्रग्स स्मगल करती हूं। बस वो तुम्हारा साथ देते थे हेमजी को? हाँ, हम पार्टनर्स थे। कमाल का आइडिया। उसे सिंघानिया बहुत बड़ी पोस्ट पे, तो एयरपोर्ट पे कोई उनकी नकली टांग की चेकिंग नहीं करेगा, और उस नकली टांग की आड़ में तुम अपने स्मगलिंग का रैकेट चला रहे। पर वो बुढ़ा डर गया और वो इस धंधे से हटना चाहता था, पर इस धंधे से हटना मतलब दुनिया से हट जाना। इसलिए मैंने उस तोते को सिखाया, सिंघानिया मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। फिर मैं हेमजी भाई के घर गई। सिंघानिया मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। सिंघानिया, मुझे मत मारो। सॉरी। तो ये थी मेरी कहानी। अब बोलो, तुम दोनों में से पहले कौन मरेगा, तुम या तुम? लेडीज फर्स्ट। थैंक्स राघव। तो मैं भी नहीं कर सकता। हेलो मिस्टर राघव, डिप्लोमेट सिंघानिया के ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करके आप लोगों की टीम ने हमको एक बहुत बड़ी सिचुएशन से बचा लिया। थैंक यू वेरी मच। प्लेजर। डीसीपी साहब, अब सोहा पकड़ी गई है, तो असली तोता अलादीन का? देखिए जरा, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हो। कहते कभी सुनो भाई सारू, बात कहूं मैं खड़ी, अपना हीरो राघव दुनिया में एक नंबरी